क्या आपको पता है कि ज्यादातर बिल्लियां पानी से क्यों डरती है? क्या आपको पता है कि बिल्ली को भारत में अशुभ क्यों माना जाता है? और क्या आपको ये भी पता है कि एक बिल्ली कितने साल तक जिंदा रहती है? अगर नहीं पता है तो कहीं मत जाओ, क्योंकि हम आज आपको बिल्लियों के बारे में बहुत ही सीक्रेट बातें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वैसे तो जो बिल्लियां होती है वह सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवरों में से एक है। जिस तरह बहुत से लोग बिल्लियों को पालतू बनाते हैं, उसी तरह बहुत से लोग बिल्लियों को देखना अपशुकन भी मानते हैं। आज हम वही जानवर के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और अद्भुत फैक्ट बताने वाले हैं, जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी इस बात पे नोट किया है कि कुछ बिल्लियां पानी से बहुत ज्यादा डरती है, जबकि कुछ बिल्लियां पानी को पसंद करती है? यह बिल्लियों की अलग अलग प्रजाति पर निर्भर करता है कि वह बिल्ली की कौन सी प्रजाति है। इसमें ज्यादातर घरेलू बिल्लियां पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वे पानी को देखकर दूर भाग जाती है। इसके कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया और उन्होंने कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी दी। रिसर्च में पता चला कि कुछ जंगली बिल्लियों को पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि जेगुआर और टाइगर बिल्ली। ये अपना ज्यादातर समय पानी के आसपास या फिर पानी में ही बिताती है। जेगुआर वर्षावनों में पाए जाने वाले हैं। इसका पसंदीदा शिकार का एक तरीके का मगरमच्छ होता है। ये मगरमच्छ को पानी में जाकर पकड़ते हैं और इसका शिकार करते हैं। इसी तरह भारत के जंगलों में पाए जाने वाले टाइगर भी पानी को पसंद करते हैं। ये गर्मी के मौसम में अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारते हैं। वहीं एक जंगली बिल्ली जिसका नाम है स्नो लेपर्ड, वो भी पानी से डरती है। उन्हें पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह बिल्लियां पानी से हमेशा दूर रहती है। यह मध्य एशिया के पहाड़ों में पाई जाती है। इन्हें पानी के करीब बहुत ही कम देखा गया है। वहीं ज्यादातर घरेलू बिल्लियों को पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। हालांकि यह लोकेशन तथा कुछ प्रदेश के अनुसार होता है और उस पर निर्भर करता है। अगर वह ठंडी जगह पर रहने वाली बिल्ली है तो उसे पानी पसंद नहीं आएगा। इन जगहों पर पाए जाने वाली बिल्लियों की खाल पर 1,20,000 बाल पर स्क्वायर इंच होते हैं। बिल्लियों का कोट 3 अलग अलग परतों से बना हुआ होता है। पहला कोट शरीर को हवा से बचाता है, दूसरा कोट शरीर के तापमान को बनाए रखता है, और तीसरा कोट जो कि मोटे बालों से बना होता है, वह शरीर को धूप तथा अन्य चीजों से बचाता है। अगर इसके बाल गीले हो जाते तो उन्हें सूखने में काफी समय लगता है। साथ ही उनका फुर्तीला शरीर भी चुस्त हो जाता है, जिससे यह शिकार नहीं कर पाती। यही मुख्य कारण है कि बिल्लियों को पानी से नफरत होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पालतू बिल्लियों का DNA टाइगर से 96% मैच करता है? बिल्लियों को ठंड में आग के पास बैठना बहुत पसंद होता है। बिल्लियां 50 डिग्री के तापमान तक आराम से सहन कर सकती है। अपना इलाका निश्चित करने के लिए बिल्लियां अपनी गंध छोड़ती है। इंसानों की तुलना में बिल्लियों की सूंघने की शक्ति 14 गुना ज्यादा होती है। बिल्लियों की गंध में फेरोमोन होते हैं, जो मादा को नर की ओर आकर्षित करते हैं। यूरोप में घरेलू बिल्लियां सिर्फ एक साल में लगभग 800 करोड़ चूहों का शिकार करती है। बिल्लियों के मूंछ के बाल उन्हें बहुत नजदीक के शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले सभी बिल्लियों के पूर्वज का जन्म साउथ ईस्ट एशिया में है। बिल्लियां मीठा खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें मीठे का स्वाद ही पता नहीं चलता। घरेलू बिल्लियां पानी से नफरत करती है, इसलिए उन्हें नहलाने पर वे तरह तरह की आवाजें निकालती है। बिल्लियां अपनी पूंछ ऊपर की ओर सीधी करके इंसानों से प्यार जताती है और पूंछ हिलाकर चेतावनी भी देती है। बेहद ठंडे इलाकों से बहुत गर्म इलाकों तक और धरती की सतह से ऊंचे पहाड़ों तक बिल्लियों का बसेरा है। बिल्लियां कैट फैमिली की सबसे आखिरी और लाजवाब सदस्य है, जो आज जंगलों में नहीं बल्कि हमारे घरों में रहती है। बिल्लियां लगभग 1000 तरह की आवाजें निकाल सकती है, जबकि कुत्ते सिर्फ 10 प्रकार की आवाज निकालते हैं।
एक रिसर्च बताती है कि अगर बिल्लियों का आकार और वजन एक शेर जितना हो जाए तो इंसानों को ही खाना शुरू कर देंगी। बिल्लियां हमेशा अपने इलाकों से दूर जाकर प्रजनन करती है और इसी कारण से आज ये धरती के सभी जगहों पर पाई जाती है। बिल्लियों की दूर की नज़र तो बहुत तेज होती है, मगर बहुत नज़दीक आने पर उन्हें सब धुंधला धुंधला नज़र आता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।